गुड मॉर्निंग क्लास. इन टुडेज़ मैथ्स क्लास टॉपिक इज ऑर्डरिंग द नंबर्स. यस्टरडे कल भी हमने इस टॉपिक पर बात की थी. ऑर्डरिंग द नंबर्स, अरेंज द नंबर्स इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. और मैंने आपको होमवर्क में दिया था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ठीक है, आज हम बात करेंगे से ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटे के क्रम में. इससे पहले मैंने आपसे कंपेयरिंग द नंबर्स की बात की थी, यानी कि नहीं दो नंबर के बीच में कंपेयर करना. फिर मैंने आपसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात की थी, जिसे हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं. आज हम बात करेंगे अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट या अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बड़े से छोटे के क्रम में कैसे लिखें. ओके, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 152, 180, 223, 475, 362. जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर ऑर्डरिंग द नंबर्स करना है या नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमें बड़े डिजिट की ओर देखना होगा, यानी वंस, टेंस या और हंड्रेड में हमें बड़े हंड्रेड के डिजिट पर फोकस करना पड़ेगा. तो यहाँ वंस का डिजिट देखिए, हंड्रेड का 1, 1, 2, 4 एंड 3. जब हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो बड़े नंबर की बात करते हैं, यानी 4, 475. 4 से छोटा 3, 360. 2, 3 से छोटा 2, 223. देन 1, 1 दो डिजिट हैं, यानी वंस पर हंड्रेड के प्लेस पर दो डिजिट हैं, दोनों ही सेम है 1, तो हम टेंस का प्लेस देखते हैं 5 एंड 8. 5 से 8 बड़ा है, यानी नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 180, लास्ट हो जाएगा 152. यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा 475, 362, 223, 180 एंड 152. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 503, 383, 692, 108, 452. यहाँ भी हम 100 के प्लेस के डिजिट पर फोकस करेंगे. 5, 3, 6, 1, 4 सभी अलग अलग हैं, यानी कंपेयर करना या ऑर्डरिंग करना इजी है. तो हम यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट 6, 692. 6 से छोटा 5, 503. 5 से छोटा 4, 452. 4 से छोटा 3, 383 एंड लास्ट 108. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आया, 692, 503, 452, 383 एंड 108. जब डिजिट अलग अलग होते हैं तो कंपेयर करना आसान हो जाता है. जब डिजिट में अगर सेम डिजिट वाले दो आ जाएँ तो अगर 100 के प्लेस पर सेम है तो टेंस के डिजिट पर फोकस करें, अगर टेंस के प्लेस पर भी सेम है तो वंस के प्लेस पर फोकस करें, यानी जब तक हमें बड़ा या छोटा ना मिल जाए. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. आपकी समझ में आ गई होगी बात. थैंक यू.